दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार, अध्ञानता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और कैरियर काउंसलर, आप सभी का अध्ञानता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि आपका विजुअलाइजेशन यानी कि जो काल्पनिक चित्र आप अपने टारगेट गोल या लक्ष्य का बनाते हैं वो 10 से 20 गुना ज़्यादा कैसे इफेक्टिव हो, यानी कि उन तरीकों पे बात करेंगे जिन तरीकों से आप विजुअलाइजेशन को ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, ज़्यादा कारगर बना सकते हैं। आज जो मैं सीक्रेट इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन पर आपको पूरी तरह से अमल करना है और जो विजुअलाइजेशन करते वक्त सावधानियां आपको बरतनी है उनके बारे में बताऊंगा, और अगर आपने बताए अनुसार 100% काम को किया तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपकी सफलता बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपका विजुअलाइजेशन जो अभी तक आपको लग रहा था कि बहुत कम काम करता है वो 10 से 20 गुना ज़्यादा आपकी सफलता के लिए काम करेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रही है आप उनको बिना देरी के देख सकें। तो दोस्तों मानसिक चित्रण करना या विजुअलाइजेशन करना या काल्पनिक चित्रण करना आपके टारगेट या आपके लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करता है या तेजी से आपको प्राप्त करवाता है, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपने अपने टारगेट, अपने लक्ष्य और अपने गोल की तस्वीर को अपने माइंड में एक बार सेट कर दिया तो फिर आपकी बॉडी, आपका माइंड और ये पूरा ब्रह्मांड उसको पूरा करने के लिए आपके साथ तैयार रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड और ये ब्रह्मांड हमेशा ही आपके गोल और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं। आज जो सीक्रेट इसमें बताऊंगा वो पूरी तरह से तो काम करेंगे, लेकिन आपको एक सावधानी बरतनी है। सावधानी ये है दोस्तों कि आप उसको आजमाएं नहीं, ये ना सोचकर करें कि देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा, पहले इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेता हूँ, नहीं, आप उसमें पूरी तरह डूब जाइए, उसके अंदर खो जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका विजुअलाइजेशन आपके लिए 10-20% इफेक्टिव होकर आपके अचीवमेंट और आपकी सक्सेस का जो रेट है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए जो मेन चीज़ है वो मैं आज आपको दो शब्द दे रहा हूँ। यस दोस्तों, दो शब्द क्या है विजुअलाइजेशन में आपको समझना है कि मीन्स वैल्यू और एंड वैल्यू। मीन्स वैल्यू और एंड वैल्यू आपके विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डालती हैं, और जिन लोगों का विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहा उनके लिए ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मीन्स वैल्यू क्या है, यानी कि जो आपका चेतन मन है यानी आपका कॉन्शियस माइंड वो जिन चीज़ों को देखता है या जिन चीज़ों के मैसेज को रिसीव करता है वो सब मीन्स वैल्यू है। और जब ये मीन्स वैल्यू की जो चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड से कुछ भावनात्मक अटैचमेंट के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन या आपके सबकॉन्शियस माइंड को चली जाती हैं तो ये एंड वैल्यू हो जाते हैं। मीन्स वैल्यू को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, सपोज आप अपने लिए कोई मकान चाहते हैं तो उस मकान का आप लोकेशन, उस मकान का गेट, उस मकान का पूरा नक्शा, उस मकान का बेडरूम कैसा होगा, उस मकान के सोफे कैसे होंगे, उस मकान के अंदर आपका स्टडी रूम कहाँ होगा, उस मकान के अंदर आपका किचन का डेकोरेशन कैसा होगा, आप किस तरह के इंटीरियर उसमें लगाएंगे, ये सारा का सारा आप विजुअलाइज कीजिए। और विजुअलाइज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चली गई, लेकिन कठिन कार्य है सबकॉन्शियस माइंड तक ये कॉन्शियस माइंड की चीज़ों को पहुंचाना, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच एक खाई है, और वो खाई क्या है,
आपका जो चेतन मन है वो हर बात में आप पे जीरे करता है, यानी आपके साथ डिस्कस करता है और डाउट करता है, पता नहीं ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं, ये पूरी होगी तो कैसे होगी, कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर देते हैं तो वो आपसे कोई डिस्कस नहीं करता, किसी चीज़ पर डाउट नहीं करता, बल्कि जब आप सोई हुई अवस्था में होते हैं तब भी वो नए नए आइडियाज़, नए नए टेक्निक और नए नए तरीके आपके लिए ईजाद करता है, जिनके माध्यम से आप अपने गोल, अपने लक्ष्य और अपने विजुअलाइज की हुई चीज़ों को तेज़ी से प्राप्त कर सकते हो। अब एंड वैल्यू, एंड वैल्यू को आप इस तरह समझिए कि जैसे ये जो मकान आपने विजुअलाइज किया था, इस मकान की वास्तविक ज़रूरत क्या है, उनको आप फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ जोड़ कर देखिए कि जब ये मकान आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके परिवार को एक सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको जो समाज में मान सम्मान मिलता है, आपको जो एप्रिसिएशन मिलता है, जो प्रतिष्ठा मिलती है, इन सब के साथ अपने इमोशंस को जोड़कर देखिए। और ये इमोशंस वाले सिग्नल आप जब सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को पहुंचा देते हैं तो यही आपकी एंड वैल्यू आपके लिए कार्य करती है। क्योंकि जब आप इस विजुअलाइजेशन को प्रतिदिन 10 से 12 या 15 दिन तक, हर दिन अपनी सुविधा अनुसार, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट या 20 मिनट प्रतिदिन करते हैं, और ये कार्य 15 से 20 दिन या 10 दिन आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो इफेक्ट पहले आपको 3 या 4 महीने के विजुअलाइजेशन के बाद भी नहीं आ रहे थे, वो इफेक्ट आपको 10-12 दिन के बाद आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी की सारी जो विजुअलाइजेशन आपने की है, इससे जो मैसेज है, जो आपके इमोशंस का मैसेज है, वो आपके अवचेतन मन को चला गया, और अब आपका अवचेतन मन ज़्यादा सक्रिय होकर आपके चेतन मन को, प्लस आपकी बाकी बॉडी के जितने ऑर्गेन्स हैं, यानी कि आपके माइंड को, आपके हार्ट को, आपकी सोल को, सबको प्रेरित करेगा कार्य करने के लिए, और यूनिवर्स के साथ मिलकर आप जो चाहते हैं वो बहुत तेज़ी से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो के साथ और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उनकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय ध्यान।